to DSEJ online classes, a digital initiative taken by Directorate of School Education, Jammu. Myself, Tajinder Singh, teacher from Government Middle School, Khanetar. And today, my dear students, I am here to discuss with you chapter number 15th of class 10th, our environment. Our environment ke jo learning objectives hain, ये आपकी स्क्रीन पे दिए हैं. सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट. कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में हमारे आएंगे बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, हायरार्की इन इकोसिस्टम, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट होम असाइनमेंट. और इसके साथ हम और डिस्कशन भी करेंगे जैसे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम. The word environment was coined by Thomas Carlyle in 1827 and is derived from the word environment which means surrounding. तो environment जो है वो आपका surrounding है, वो सारे components, वो सारे substances जो आपके इर्द गिर्द पाए जाते हैं वो environment में आते हैं. Environment को हम simple way में अगर layman language में कहें, the physical world in which we live, work, eat, sleep, refer to as environment. Environment के दो major components हैं जो मैं आज आपके साथ discuss करूंगा. एक component है हमारा physical component, जिसमें जिसको हम abiotic component भी कहते हैं, जैसे wind, water, rainfall, temperature, humidity. और living component जो है उसमें plants हैं, animals हैं, human beings. डियर स्टूडेंट्स, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट में सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एटमॉस्फेयर और द एयर. एज यू नो दैट इज अर्थ इज सराउंडेड बाय अ प्रोटेक्टिव लेयरिंग ऑफ एयर गैसेस. नाइट्रोजन जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में पाई जाती है, उसके बाद हमारी ऑक्सीजन है, उसके बाद हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद हमारा आता है लिथोस्फेयर और हार्ड पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट दैट इज रॉक्स एंड सॉइल. It is also one of the major component which is responsible for sustenance of life on this earth. Third component hamara hai hydrosphere or the water. As you know that major portion of the earth is occupied by water. That is 1/3 of the earth jo hai wo water se covered hai and 1/4 part jo hai wo land hai ya soil hai. Iske bare mein bhi hum detail mein discussion karenge next slide mein. Aur जब ये तीनों कंपोनेंट्स मिलते हैं तो इन पे जो सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइफ होती है वो होती है लिविंग कंपोनेंट की, जिसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं. तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखेंगे कि एनवायरनमेंट का जो कंसेप्ट है, इसको जब लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स दोनों इंटरेक्ट करते हैं तो उस चीज को हम कहते हैं इकोसिस्टम. जो इकोसिस्टम की टर्मिनोलॉजी है, इट वॉज फर्स्ट गिवन बाई एजी टांसले इन 1935. All organisms such as plants, animals, microorganisms, human beings, as well as non-biotic components जो है वो लगातार interact करते हैं और एक equilibrium या एक sustainability of life जो है इस अर्थ पे बना के रखते हैं. The physical interaction between the living and non-living components of an ecosystem is referred to as environment. तो ये जो physical surroundings में आप देख रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो नॉन लिविंग है, जैसे लैंड है, वाटर है, सॉइल है, एयर है. और इन सारे कंपोनेंट्स पे जो लिविंग कंपोनेंट हैं उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरतें जो हैं उन पे डिपेंड है. तो ये सभी कंपोनेंट जब फिजिकली इंटरेक्ट करते हैं और ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइफ जो लिविंग कंपोनेंट की है वो इन पे डिपेंड होती है, तो इस चीज को हम बोलते हैं इकोसिस्टम. लेट अस सपोज, मैं आपसे एक एग्जांपल कोट करूंगा. जैसे आप गार्डन में जाते हैं तो गार्डन में आप देखते हैं कि ग्रास, ग्रीन ग्रास है, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, फ्लावर बीरिंग प्लांट्स हैं, जैसे रोज है, जैस्मिन है. इसी तरह से इनके ऊपर कुछ इंसेक्ट्स जो हैं वो आके बैठते हैं. उसके बाद जैसे ग्रास ऊपर हो गया, लोकस्ट हो गया, बटरफ्लाई होगी, तो ये एक छोटा सा इकोसिस्टम है. हम इससे आगे जाके ये भी पढ़ेंगे कि मैन मेड इकोसिस्टम और
नेचुरल इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस है। इसी तरह से एन नंबर ऑफ इकोसिस्टम जो हैं हमारी लाइफ में पाए जाते हैं, जैसे मैं कुछ कोट करूं, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, रिवरिन इकोसिस्टम है, पॉन्ड इकोसिस्टम है, लेक इकोसिस्टम है, इसी तरह से हमारे मैन मेड इकोसिस्टम जैसे आर्टिफिशियल लेक्स हैं, उसके बाद आर्टिफिशियल हमारे गार्डन्स हैं, तो ये जो हैं ये सारे जो हैं ये मैन मेड और नेचुरल इकोसिस्टम्स में आते हैं। आपके सामने मैंने एक डायग्राम लगाई है, इसमें आप देख सकते हैं कि लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग कंपोनेंट जो हैं वो इसमें एक दूसरे के साथ फिजिकली इंटरेक्ट कर, जैसे सन जो है वो नॉन लिविंग कंपोनेंट में आता है बट इट इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि रेडिएंट एनर्जी जो है वही कन्वर्ट करते हैं ग्रीन प्लांट्स, और उसी ग्रीन प्लांट जब वो अपना खाना बनाते हैं उस पे जो है हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड मटेरियल, वो उनकी सस्टेनेबिलिटी और लाइफ और ग्रोथ के लिए उन पे डिपेंड होते हैं। अब मैं आपसे पहले डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम विच आर फाउंड इन अवर एनवायरमेंट। सबसे पहला आ गया टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और लैंड इकोसिस्टम, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ मिलके लैंड पे रहते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं, जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया और ग्रासलैंड इकोसिस्टम, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो है वो मैन मेड सोर्सेज से मिलके बना होता है, जैसे इंसान जब आर्टिफिशियली कोई चीज बनाता है तो उसको हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। आपके सामने एग्जांपल है गार्डन की, आपके सामने एग्जांपल है आर्टिफिशियल लेक्स की, आपके सामने एग्जांपल है आर्टिफिशियल रिजर्वायर्स की। तो हम जब देखेंगे आर्टिफिशियल लेक्स और आर्टिफिशियल रिजर्वायर्स में या गार्डन में देखेंगे कि एन नंबर ऑफ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो हैं वो हमारे मिलते हैं। लेक्स की बात करें, लेक्स में फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, ज़ू प्लैंक्टन्स हैं, सॉइल है, वाटर है, फिशेस हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये सारे जब एक कंपोनेंट के अंदर मिलते हैं तो वो हमारा कंपोनेंट जो है वो हमारा आता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जो मैन मेड की तरफ से बनाया गया होता है। हमारे जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की हम बात करें तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हमारे फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम आते हैं। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की मैं बात आपके साथ कर चुका हूं। लैंटिक इकोसिस्टम वो होता है जो वाटर बॉडी जैसे लेक्स हैं, स्वैम्प्स हैं, ये जहां पे पानी खड़ा मिलता है या उसको निकलने की जगह नहीं होती है, उन इकोसिस्टम्स को हम लैंटिक इकोसिस्टम कहते हैं। पॉन्ड इज एग्जांपल ऑफ लैंटिक इकोसिस्टम, स्वैम्प्स एंड लेक्स इज आल्सो एग्जांपल ऑफ लैंटिक इकोसिस्टम। लास्ट बट नॉट लीस्ट लोटिक इकोसिस्टम, लोटिक इकोसिस्टम वो है जहां पे वाटर रन ऑफ होता है या बहता हुआ पानी या चलते हुआ पानी जो है वो हमारा लोटिक इकोसिस्टम में आता है। तो लोटिक इकोसिस्टम में आपके सामने प्राइम एग्जांपल है रिवर्स की, ओशन की, सी की, ये जो है ये लोटिक इकोसिस्टम की एग्जांपल है। और अगर इन इकोसिस्टम की बात करें तो सबसे बड़ा इकोसिस्टम जो हमारे अर्थ पे पाया जाता है वो है ओशन इकोसिस्टम, जो लोटिक इकोसिस्टम के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में आप देख रहे हैं बायोटिक इकोसिस्टम जो है वो हमारा लिविंग कंपोनेंट है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स एज वेल एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो बायोटिक कंपोनेंट के अंडर आते हैं। बायोटिक कंपोनेंट पे जाने से पहले मैं आपसे डिस्कशन करूं कि एक हेल्दी एनवायरमेंट को सस्टेन करने के लिए, एक हाइजीनिक एनवायरमेंट को सस्टेन करने के लिए बहुत सारी हमारी कोशिशें जो हैं वो जरूरी है, क्योंकि आज ग्लोबल समिट्स होती हैं, कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि ह्यूमन कंजप्शन की वजह से या ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से ये जो इकोसिस्टम है ये कहीं ना कहीं डिग्रेड हो चुका है। तो बायोटिक इकोसिस्टम पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं वो हमारे इकोसिस्टम में आते हैं, और उन नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की वजह से हमारी लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं जो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस पे हमारी डिपेंड है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि जब भी हम कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की बात करें, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें, तो हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है कि वो सब्सटेंसेस जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं उनमें हम डिफरेंस पता करें, और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को कहीं ना कहीं जाके हम ना कहें। बायोटिक इकोसिस्टम में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि प्लांट्स,
एज वेल एज एनिमल्स जो हैं वो बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं, और एबायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स आते हैं, जैसे मिनरल्स हो गए, सॉल्ट हो गया, रेनफॉल हो गया, विंड हो गया, और टेम्परेचर एज वेल एज ह्यूमिडिटी। बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं डिस्कस करेंगे। बायोटिक कंपोनेंट्स जो हमारे आपके सामने में स्क्रीन पे रखा है, आप देख सकते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट्स में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहीं ना कहीं अपनी प्रोक्योरमेंट के लिए, अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए, अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए नॉन लिविंग कंपोनेंट्स पे डिपेंड होते हैं। और बायोटिक कंपोनेंट्स में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से हम नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करके अपनी लाइफ की ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी शो कर सकते हैं। यहाँ पे बायोटिक फैक्टर्स पे आने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे पैथोजेंस या डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो भी हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका हमारी जिंदगी में रहना बहुत जरूरी है। वो एज अ रोल प्ले करते हैं बायोलॉजिकल क्लीनर्स या डीकम्पोजर्स का, क्योंकि अगर वो बायोलॉजिकल क्लीनिंग का काम नहीं करेंगे तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारा गार्बेज या सीवेज जो है कहीं ना कहीं इकट्ठा होगा और वो हमारी लाइफ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो वो जो पैथोजेंस हैं या डिजीज आउट ब्रेकिंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी हमारे बायोलॉजिकल कंपोनेंट में आते हैं। बायोटिक फैक्टर्स में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है एनर्जी फ्लो। आपको पता है जो हम फूड खाते हैं वो एज अ फ्यूल एक्ट करता है, और उस फ्यूल से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म जो है, हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है, रोजमर्रा की जिंदगी के काम जो है, हम फूड से हमें एनर्जी मिलती है और उसी वजह से हम वो काम कर पाते हैं। और एक हेल्थी न्यूट्रिशन और एक प्रॉपर फूड जो है वो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता है। और हमारे फूड के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स जो हैं वो हमारी जरूरतें जो हैं वो हमारी नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स से भी पूरी होती हैं। जैसे मिनरल है वो हमारा नॉन बायोटिक कंपोनेंट है, और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स या प्रोटीन्स की बात करें वो कहीं ना कहीं हमें लिविंग कंपोनेंट्स से मिलते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो सीरियल्स या ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स से हमें मिलते हैं। जो फूड ग्रेन्स हमारे राइस एंड व्हीट हो गया, फिर उसके बाद जो हमारे फैट्स हैं वो हमारे सीड से मिलते हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया या सनफ्लावर ऑयल हो गया। इसी तरह से प्रोटीन जो है वो हमें फिश से मिलती है, या फिर एग्स या चिकन जो हम खाते हैं तो उससे हमें प्रोटीन्स मिलती है। तो इस पर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, हायरार्की इन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में एक हायरार्की है जो कहीं ना कहीं मेंटेन की गई है थ्रू नेचुरल वे में। अब नेचुरल वे में मैं आपके सामने जो हमारी आपकी स्लाइड है इस पे आप देख सकते हैं कि सबसे जो लेवल वन पे है, जो लेवल टॉपिक लेवल फर्स्ट पे है, वो है हमारे प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स के बाद हमारे हैं कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के बाद हैं हमारे डीकम्पोजर्स। तो प्रोड्यूसर्स एज द वर्ड इटसेल्फ एक्सप्लेन दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड। उसके बाद आता है हमारा कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स की कैटेगरी में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं विच डिपेंड ऑन अदर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट एंड देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कंज्यूमर्स के बाद हमारे पास आता है डीकम्पोजर्स। तो डीकम्पोजर्स जो हैं, मैंने आपसे पहले कह चुका हूं कि वो डेटरी वोर्स भी कहते हैं हम उनको, और वो एज अ बायोलॉजिकल क्लीनर्स का काम करते हैं। वो डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर पे एक्ट करते हैं, उनको एज अ फूड के तौर पे अपना इस्तेमाल करते हैं, और बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स उसमें से बच जाते हैं, जैसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको वापस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करके वापस साइल में छोड़ दिया जाता है, ताकि वो नेक्स्ट फिर से जो है रीयूज किए जा सके। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। आपके सामने प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर्स जो हैं दोज ऑर्गेनिजम्स विच मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, ग्रीन प्लांट्स। अब बात यह आती है कि ग्रीन प्लांट्स के बारे में तो हमें पता है कि वो ग्रीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी लीव्स में क्लोरोफिल होती है, और क्लोरोफिल जो है वो एक मेजर कंपोनेंट है जो कहीं ना कहीं सनलाइट को ट्रैप करने में मदद करता है, और सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम की बात करें तो वो यूनिट डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी है, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? दे मैन्युफैक्चर द ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर सब्सटेंसेस व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट,
वो लेते हैं सॉइल से, यानी सॉइल से उनको मिनरल्स मिलते हैं। अब इन ग्रीन प्लांट्स पे जो डिपेंड करते हैं वो है हमारे कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स जो हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो अपने खाना बनाने के लिए उनको जो वो खाना खाएंगे वो खाना जो है वो अदर ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करेंगे, और वो अदर ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? ग्रीन प्लांट्स। अब कंज्यूमर्स की कैटेगरी में हमारे एनिमल्स आते हैं और ह्यूमन बींग्स आते हैं, इसको हम एलैबोरेट करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। उसके बाद हमारे पास है डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स जो हैं वो डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं, डेड एंड डिके ऑर्गेनिक कंपोनेंट पे डिपेंड करते हैं, और जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उन पे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को वो डीकम्पोज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डीकम्पोज करके इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं और उसको फिर यूटिलाइज करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। तो आपके सामने एक छोटी सी डायग्राम मैंने दिखाई है, जैसे ग्रीन प्लांट्स जो हैं उनको कंज्यूम किया जा रहा है बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, और एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स की फर्दर कैटेगरीज बनाई गई है हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स, और जो हमारे डीकम्पोजर्स हैं जो हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स की डेथ एंड डेथ होने के बाद उनको डीकम्पोज करके उसको यूटिलाइज करते हैं अपने लिए, वो आते हैं हमारी बैक्टीरिया एंड फंजाई की कैटेगरी। अब कैटेगरीज ऑफ बायोटिक कंपोनेंट में बात करें तो हमारे पास अगर देखा जाए तो एक हायरार्की, अगर इकोलॉजिकल पैरामिड की बात करें तो बेस पे मैंने आपको बताया था कि वो प्रोड्यूसर्स है। प्रोड्यूसर्स के बाद आपने देखा होगा इकोलॉजिकल पैरामिड हमारा आहिस्ता आहिस्ता करते कम होता जा रहा है। प्रोड्यूसर्स के बाद कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के बाद हमारा डीकम्पोजर्स है। हम इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं। प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटो मींस सेल्फ एंड ट्रॉप्स मींस टू मैन्युफैक्चर। दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड कम्स अंडर दिस कैटेगरी, दैट इज ग्रीन प्लांट्स एंड सम काइंड ऑफ बैक्टीरिया। ग्रीन प्लांट्स जो है by means of photosynthesis they manufacture their own food material, and जो हमारे bacteria हैं वो कहीं ना कहीं gases की मदद से या air की मदद से, air के बीच में कुछ ऐसा components जैसे उनको utilize करके वो अपना खाना जो है बनाते हैं। इसमें हमारा sulfur bacteria जो है वो आता है, इसके बारे में भी हम discuss करेंगे। photoautotrophs and chemoautotrophs क्या होते हैं। उसके बाद आता है हमारा consumers। कंज्यूमर्स को हम हेटीरोट्रॉप्स कहते हैं। हेटीरो मींस अदर्स और ट्रॉप्स मींस टू, यानी जो ट्रॉप्स मींस टू मैन्युफैक्चर, जो अदर ऑर्गेनिजम्स के फूड पे डिपेंड करते हैं उनको हम हेटीरोट्रॉप्स कहते हैं। एंड ओकेजनली अदर कंज्यूमर्स जो हैं उन पे डिपेंड होते हैं वो अपने फूड के लिए। कंज्यूमर्स में हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स आते हैं। उसके बाद आती है हमारे नेक्स्ट डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स को हम डेट्रीवोर्स भी कहते हैं। दे ब्रेक डाउन केमिकल्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स यूजली एंटीबायोटिक इनटू सिंपलर फॉर्म विच कैन बी रीयूज्ड। जैसा कि आप अपनी स्लाइड पर देख रहे हैं प्रोड्यूसर्स जो हैं उनको हमने अलग लेवल पे रखा है, कंज्यूमर्स को हमने अलग लेवल पे रखा है, और डीकम्पोजर्स को हमने अलग लेवल पे रखा हुआ। अब आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स। टाइप्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट जो है वो फर्स्ट टॉपिक लेवल में हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर्स को फर्दर क्लासिफाई करके फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड कीमो ऑटोट्रॉप्स में रखा हुआ। फोटो मींस लाइट, जो लाइट की मदद से अपना खाना बनाते हैं वो फोटो ऑटोट्रॉप्स में आते हैं। मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। और कीमो ऑटोट्रॉप्स मींस, कीमो मींस केमिकल एंड ट्रॉप्स मींस टू मैन्युफैक्चर, जो केमिकल्स की मदद से अपना खाना बनाते हैं उनको हम कीमो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। देन कम्स कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, जैसे हर्बीवोर्स जो हैं वो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। हर्बीवोर्स आर ग्रास ईटिंग एनिमल्स, और इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स में हमारे काओ बुफेलो आते हैं। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर जो हैं वो हमारे कार्निवोर्स हैं, जो मीट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जैसे हमारा लॉइन हो गया, टाइगर हो गया। उसके बाद टर्शियरी कंज्यूमर्स। टर्शियरी कंज्यूमर्स में आते हैं ह्यूमन, विच आर ओमनीवोर्स। ह्यूमन बींग्स हर्बीवोर्स को भी खा सकते हैं, अपने खाने के तौर पे ले सकते हैं, और कार्निवोर्स यानी मीट ईटिंग ऑर्गेनिजम्स को भी वो खा सकते हैं। अब आता है हमारा डीकम्पोजर्स।
डीकम्पोजर्स को हमारे यहाँ एक नई टर्मिनोलॉजी के साथ बोला गया, डेट इज बायोलॉजिकल क्लीनर्स। तो डीकम्पोजर्स जो हैं वो बायोलॉजिकल क्लीनर्स हैं, क्यों? क्योंकि वो इस एनवायरनमेंट को क्लीन हाइजीनिक रखने में हमारा मदद करते हैं। वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को कन्वर्ट करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, और वापस न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो वापस सॉइल में चले जाते हैं ताकि वो फर्दर यूज किए जा सकते हैं हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड एज वेल एज सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइफ के। अब ये जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये सारा बायोटिक कंपोनेंट था। अब हम एबायोटिक कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। एबायोटिक कंपोनेंट्स रेफर टू द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम एंड देयर आर सर्टेन केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ एंड लाइफ ऑफ द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। तो यहां पे आप देख रहे हैं जैसे एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस व्हिच इज प्रेजेंट अराउंड द अर्थ सरफेस। आप अर्थ की अगर सरफेस में एटमॉस्फेयर की बात करें तो जो उनकी लेयर्स हैं, सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, एक्सोस्फेयर एंड आइनोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर से ऊपर जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसमें एक लेयर है जिसको हम ओजोन बोलते हैं। ओजोन का कंटेंट हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। नेक्स्ट ओजोन का कंटेंट जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। बट ओजोन जो है हार्मफुल रेडिएशन से अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज एज वेल एज इंफ्रारेड रेज जो है जब वो ज्यादा मात्रा में अर्थ की एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो स्किन प्रॉब्लम्स काज करती हैं। यूवी रेज और इंफ्रारेड रेज ग्लोबल वार्मिंग जो है वो काज करती है। तो ये जो एबायोटिक कंपोनेंट है अगर उनकी ज्यादा या कम अमाउंट में अगर वो अर्थ की अंदर एंटर होते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए प्रॉब्लम काज करते हैं। इसी तरह से हमारे पास है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर जो है वो वाटर को कहा जाता है। वाटर इज अ मेजर कंपोनेंट एंड मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी का 90% हिस्सा जो है वो वाटर से। तो वाटर जैसे आप जानते हैं कि वाटर इज द मेजर कंपोनेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ ऑन दिस अर्थ। नेक्स्ट कम्स सनलाइट। सनलाइट में आपसे कह चुका हूं कि सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो सनलाइट की वजह से। सोलर लाइट जो है, रेडिएंट एनर्जी जो है वो ग्रीन प्लांट्स जो है अपना खाना बनाते हैं बाय मीन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, और वही जो 1% सोलर लाइट एनर्जी कंज्यूम होती है उसको आगे ब्रेक डाउन किया जाता है फर्दर, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास मिनरल्स हैं। मिनरल्स को दो कंपोनेंट में रखा गया, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जैसे नाइट्रोजन हो गया, पोटाशियम हो गया, ये बहुत बड़े पैमाने पे जो है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है, और अगर इनकी अमाउंट ज्यादा या कम हो जाए तो बहुत सारी डिजीजेस जो हैं वो प्लांट्स में आउटब्रेक हो जाती है। अगर इन कंपोनेंट्स की बात करें, इन कंपोनेंट्स में से अगर किसी की भी कोई शॉर्टेज हो जाती है तो अल्टीमेटली दैट मींस शॉर्टेज ऑफ फूड फॉर द प्राइमरी कंज्यूमर्स। दिस इफेक्ट कैस्केड ऑफ द फूड चेन एंड अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म इज अफेक्टेड बाई एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। फैक्टर्स अफेक्टिंग एबायोटिक कंपोनेंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोटिक कंपोनेंट जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। सनलाइट। सनलाइट इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। सनलाइट जो है वो ग्रीन प्लांट्स जो हैं इस रेडिएंट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ देयर फूड बाय मींस ऑफ फोटो, या यूं कह लीजिए कि प्रोड्यूसर्स पे ही हमारी लाइफ जो है वो टोटली डिपेंडेंट है। अब एबायोटिक फैक्टर्स में हम आते हैं टेम्परेचर की तरफ। टेम्परेचर अगर किसी जगह का, किसी हैबिटेट का या किसी इकोसिस्टम का ज्यादा या कम हो जाता है तो उसके बायोटिक कंपोनेंट्स पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। सॉइल। सॉइल की बात करें तो सॉइल जो है इज अ वाइटल सोर्स ऑफ मिनरल्स फॉर दी प्रोड्यूसर्स, और अगर सॉइल में कहीं ना कहीं मिनरल्स की कमी हो जाए या मिनरल्स कहीं ना ज्यादा या कम हो जाए तो वो प्लांट्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालते हैं, यानी उनकी स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है या रिटार्डेड ग्रोथ हो जाएगी, या आउटपुट जो है जो प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ सीड्स या फ्रूट्स हमें मिलते हैं वो कहीं ना कहीं हमें अच्छी क्वालिटी या क्वांटिटी में नहीं मिलेंगे।
तो एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स में लगातार इंट्रैक्शन होती रहती है। नेक्स्ट इज रेनफॉल। रेनफॉल जो है वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एबायोटिक कंपोनेंट। रेनफॉल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोटिक कंपोनेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्टेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ प्रोड्यूसर्स एज वेल एज इट ऑल्सो अफेक्ट्स द लाइफ एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कंज्यूमर्स एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इट ऑल्सो अफेक्ट्स द डीकंपोजर्स। और इन सारों को देखा जाए, अगर इनका एक कोलैबोरेशन में बनाया जाए, तो मेजर सोर्सेज जो हैं वो वाटर, ह्यूमिडिटी, एयर एज वेल एज रॉक्स। ये वाइटल मेन फोर कंपोनेंट्स हैं जो बायोटिक कंपोनेंट्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल। जो सनलाइट है वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लो ऑफ एनर्जी के लिए। कंज्यूमर्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसीलिए वो रेडिएंट एनर्जी जो है वो नहीं पकड़ सकते, या यूं कह लीजिए वो उनके पास कोई ऐसा जरिया नहीं है, कोई सोर्स नहीं है जिससे वो एनर्जी को कैप्चर कर सके। तो आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो प्रोड्यूसर जो इतने बड़े पैमाने पे इस अर्थ पे पाए जाते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, हर्ब्स हैं, शर्ब्स हैं, ये सभी क्या करते हैं, जब अपना खाना बनाते हैं बाई मीन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। और क्लोरोफिल जो है वो 1% रेडिएंट एनर्जी जो है उसको ही कैप्चर कर पाती है, रेस्ट ऑफ द एनर्जी जो है एज अ हीट के तौर पर वापस चली जाती है। अब वो जो 1% एनर्जी जो हमारी ग्रीन प्लांट्स में आई, या यू कह लीजिए कि 1000 जूल एनर्जी जो है हमारे ग्रीन प्लांट्स में आई, जब उस पर कोई कंज्यूमर, लेट अस सपोज कि आपकी डायग्राम में भी आप देख सकते हैं रैबिट जो है, जब उस पर एक्ट करेगा या उसको खाएगा, तो 10 जूल एनर्जी जो है उस 100% की सिर्फ 10 जूल एनर्जी जो है वो रैबिट में आती है। अल्टीमेटली व्हेन रैबिट इज ईटन बाय ईगल या हॉक, तो उसकी जो 1 जूल एनर्जी जो है वो ईगल और हॉक में आती है। रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज यूटिलाइज फॉर डाइजेशन एज वेल एज इट इज रिमूव्ड, या यू कह लीजिए कि वो हमारी बॉडी से एज अ हीट के तौर पर निकल जाती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, एंड एट लास्ट जब कंज्यूमर जो ट्रेशरी कंज्यूमर हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है, उनकी डेथ एंड डिके और डिके ऑर्गेनिक मैटर पे हमारे डेट्रिवर्स एक्ट करते हैं, तो लास्ट में वो जो 1 जूल एनर्जी है वो खत्म हो जाती है और न्यूट्रिएंट्स जो बचते हैं वो वापस सॉइल में चले जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। अब हमारा आता है मेन पार्ट, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम जो है, सबसे पहला फंक्शन जो है वो है प्रोडक्टिविटी। आपसे मैं इस पर ब्रीफ में बात कर चुका हूँ कि प्रोडक्टिविटी जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारे ग्रीन प्लांट्स, ट्रीज, हर्ब्स, शर्ब्स एज वेल एज सम काइंड ऑफ बैक्टीरिया जो है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है या सल्फर बैक्टीरिया है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग देयर ओन फूड और ए प्रोडक्टिविटी लेवल में आते हैं। अगर ये प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो कंज्यूमर्स जो है वो अपना फूड जो है, या ये कह लीजिए कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो नहीं ले पाएंगे। शुगर एंड स्टार्च को इकट्ठा करके उसको कन्वर्ट करना ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ये जो है प्रोसेस ग्रीन प्लांट्स के पास है। नेक्स्ट इज डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन ऑल्सो वन ऑफ द वाइटल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो हैं वो हमारे कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को मेंटेन करने में बहुत बड़ा अहम रोल है उनका। थर्ड इज एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम जो है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट न्यूट्रिएंट साइकिल। तो न्यूट्रिएंट साइकिल जो है ये आप देख सकते हैं कि एक पूरा फ्लो बनता है इकोसिस्टम में, जिसमें से सबसे पहले न्यूट्रिएंट जो है वो साइल से कंज्यूम किया जाता है बाय मींस ऑफ ग्रीन प्लांट, वही न्यूट्रिएंट जो है आगे प्रोड्यूसर्स के बाद होता हुआ कंज्यूमर्स में जाता है, कंज्यूमर्स से प्राइमरी सेकेंडरी या ट्रेशरी कंज्यूमर्स में जाता है, ट्रेशरी कंज्यूमर्स के बाद वो डीकम्पोजर्स में जाता है, और डीकम्पोज जब उस डेड एंड डेड के ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं, वापस वो न्यूट्रिएंट जो है वो साइल में रिलीज हो जाता है। तो दीज आर द मेन फोर वाइटल फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। इसके बाद इकोलॉजिकल प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए, लाइफ सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए और स्टेबिलिटी का काम जो है
वो इकोसिस्टम करता है, क्योंकि लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स दोनों इंट्रैक्ट करेंगे, वो यूटिलाइज करेंगे, लिविंग कंपोनेंट्स जो है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को यूटिलाइज करेंगे, प्रॉपर अमाउंट में यूटिलाइज करेंगे, उनकी फिजिबिलिटी अच्छी होगी, अवेलेबिलिटी अच्छी होगी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की, तो एक स्टेबिलिटी जो है वो इक्विलिब्रियम में मेंटेन होगी। दीज आर ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। नेक्स्ट इज असाइनमेंट। तो आज का बच्चों जो आपको असाइनमेंट दी जा रही है, सबसे पहले आपने कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम को डिफाइन करना है। आज जो हमने कंपोनेंट्स पढ़े हैं इकोसिस्टम में, उसके बाद कुछ एग्जांपल जो हैं बायोटिक कंपोनेंट्स की आपने बतानी है अपनी सराउंडिंग्स में से। अपनी सराउंडिंग में आप कुछ बायोटिक कंपोनेंट्स की एग्जांपल बताएं, एबायोटिक कंपोनेंट्स की जो हैं वो कुछ एग्जांपल्स बताएं, फंक्शंस बताएं कि इकोसिस्टम के क्या क्या फंक्शंस हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आवर एनवायरनमेंट का जो फर्स्ट पार्ट था वो समझ आया होगा, और आप अपनी होम असाइनमेंट जो है वो भी अच्छी तरह से करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।